हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ रिचा। मैं आज आपके साथ एक ब्लॉग शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स। ये है मेरा घर की पूजा का ब्लॉग फ्रेंड्स, और आज बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा लगने वाला है, क्योंकि पूजा होती है घर में तो अच्छा अच्छा लगता ही है, बहुत मज़ा आता है। तो देखिए मैं किस सिंपल से तैयार हुई हूँ, कुछ भी नहीं लगाया, सिर्फ ऐसे ही तैयार हुई हूँ। और आज आप लोग बताइएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ, और आप लोगों के साथ जितना भी शेयर हो पाएगा करूँगी, क्योंकि पूजा के समय मुझे बैठना है पूजा में, तो पता नहीं मुझे टाइम मिले या ना मिले ज़्यादा आप लोगों से बात करने का, लेकिन हाँ जितना भी होगा उतना तो मैं आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूँगी फ्रेंड्स। तो चलिए मिलते हैं और पूजा में बैठते हैं, और आप लोग भी इंजॉय कीजिए और पूजा कर लीजिए हमारे साथ। Thank you.
उधर आप हाथ लगाओ, उधर आप हाथ लगाओ। हरिओम विष्णु विष्णु श्री श्री बारहल के जन्मदिवी यही वर्ष राहुल तुलाश्रवण वाम कुंस पत्नी तदग्रे पौत्र मिथुन करके सिंह कन्या तुला वृक्षक धनु मकर कुंभ मीन बारह राशि सपरिवार समृद्धि मनोकामना पूर्णार्थ श्री पूर्णमाश्या तिथ्याम हो सत्यनारायण व्रत कथा च ऐसा भवनम अहम बोलो अहम करी से कलश के पास छोड़ दो उस साइड रखो अपने गुरु के सामने रखो गुरु के सामने ऐसे उन्होंने पुष्पम भी तो ओम सर मंगल मांगे गुरु को सुबह और समय राहु गुरु समय ग्रास अंकार हम पूरी जान में ग्रास श्रीदेव का मंगला मच्छरा मुमास हम सुबह ग्रास कार्म नमः विनेश्वर पाद पादन मंगलम भगवान देश मंगलम बंदियों मंगलम पुण्य काश्याय मंगलाय तरहरी हरिओम तारी भवन नमः परस के पास नव ग्रह के लिए नव ग्रहों के लिए कलश के पास छोड़ दीजिए कलश के पास नाना प्रकार फल मेवा आदि समर्पयामि सर्करा खाद्यान् खाद्यानि दधि चूर्णानि च आहारं भक्ष भोजने गौदूध निर्मित निष्ठानं समर्पयामि ये प्रभु निष्ठानं समर्पयामि पंच मेवां समर्पयामि पंच निष्ठानं समर्पयामि समर्पयामि एक बार श्री सागर में दशम भगवान शंकर चरण बता पर महात्मा देव माँ लक्ष्मी उनके चरण में बैठी लोगों का धर्मा करते हुए महामुनि नारद जी शिव सागर में देव दशम भगवान के पास दशम भगवान से चरण में पहुंचे दशम भगवान ने नारद जी से पूछा है नारद जी आप मेरे शिव सागर में किस लिए आए हैं क्या कार्य है बताए मैं आपकी क्या सेवा करूँ नारद जी ने कहा मैं तीनों लोगों का कर्म करते हुए मनुष्य लोग मैं गया मैंने देखा मनुष्य अनेक लोगों से छोटे से त्याग से ग्रस्त है कुछ ऐसा उपाय बतलाइए जिससे मनुष्य का कल्याण हो जाए और उसको दोबारा जन्म न ले और वो जन्म भगवान ने कहा शाम का समय हो सूर्यास्त का टाइम हो न दिन हो न रात हो ऐसे समय में शिला पर एक ही बार घुमा पांच बार घुमाना जल्दी नहीं है किसके लिए घुमा चाह रहे निष्ठान उसके अंदर डाल देना घुमा दे एक चम्मच पानी घुमा करके नीचे बैठ देंगे शांति करो शांति करो बस नहीं तो अग्नि को शांत कौन करता है पानी कभी दिखाया जाता है ध्यान रखना कर दो मत होना बहुत ज़्यादा हमारे पास ये भी है बहुत देर का तैयार बचे हैं ये आप घी से कौन करेगा तुम्हें कर दे घी से तो
इसको कौन करेगा? अभी नहीं करना, पापा करेंगे। ओम प्रजापति स्वाहा, इदं प्रजापति, ओम इंद्राय स्वाहा, ओम श्रीयाय स्वाहा, ओम भुव स्वाहा, ओम भुव स्वाहा, ओम स्व स्वाहा। ओम ब्रह्मामुदारी त्रिक्रांतकारी महानुष सिंह बहुबुदय चौ गुरु शुभ्रोस्तौके सर्वे ग्रासां क्रामं न प्रदेताभ्यं स्वाहा। ओम गंगलवले नमः स्वाहा। ओम गंगलवले नमः स्वाहा। ओम गंगलवले नमः स्वाहा। ओम महालक्ष्मी नमः स्वाहा। ओम महालक्ष्मी नमः स्वाहा। ओम महालक्ष्मी नमः स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाविच्छे स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाविच्छे स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाविच्छे स्वाहा। ओम लक्ष्मी नारायण पालते पालते उनको 80 साल हो गए। सारा समय तो उन्होंने वहीं लगा दिया बेचारा, कैसे उठ पाएंगे बताओ। तो देखिए मेरी साड़ी का गेटअप ऐसा है फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को सुनाई दे रहा हो। और ये देखिए मैं पगड़ी डाले हुए मैं सिर पर रखे हुए और मतलब देख सकते हैं मुझे कैसी लग रही है मेरी साड़ी, आप लोग मुझे भी बताइएगा। अब मेरे ब्लाउज में इस तरह का यू भी लगा हुआ है। चलिए मिलती हूँ मैं आपसे। हेलो गाइस, तो हमारी पूजा हो चुकी है फ्रेंड्स और बहुत टाइम लग गया और बहुत थक गई हूँ फ्रेंड्स, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ चलिए मैं देख लेती हूँ और एंड भी कर देती हूँ वीडियो का फ्रेंड्स। तो अभी मैंने थोड़ी देर से आराम किया है, लंच भी कर लिया हम लोगों ने, तो फ्रेंड्स मिलती हूँ मैं बाद में आप लोगों को। और मेरी आई होप सही दिख रहा होगा क्योंकि मैंने ट्राईपॉड पर लगा रखा है ये कैमरा और मैं कैसी लग रही हूँ मैं नहीं जानती। और मैंने कैमरे को ट्राईपॉड पर लगा रखा है इसलिए कभी फ्लक्चुएशन होता रहता है लाइट का, कभी तेज हो जाता है कभी कम हो जाता है, तो इस तरह से होता है फ्रेंड्स। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे। और फ्रेंड्स मैं नहीं जानती ये कितना लेंथी हुआ होगा, बट अगर अच्छा लगे आप लोगों को तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड्स और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जो मेरे न्यू व्यूअर्स हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को जरूर हिट कर लीजिएगा फ्रेंड्स। और जैसे ही आप हिट करोगे आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा न्यू वीडियो का, तो आप चेकआउट कर सकते हो न्यू वीडियो और आपसे मिस नहीं होगा। तो एक्चुअली मेरी साड़ी मैं तो बहुत ही कम पहनती हूँ, ज़्यादा पहनती हूँ बट लेकिन अब वीडियो में पहली बार दिख रही हूँ कि थोड़ा टाइम तक पहने हूँ। और आप लोगों को कैसी लगी मेरी जो साड़ी है और इस तरह से इसका पल्ला है ये देखिए, आई होप आप लोगों को अच्छी लग रही हो। और चलिए ज़्यादा बात नहीं करती हूँ मैं और आप लोगों से बाय कर लेती हूँ, बाद में मिलती हूँ मैं आप लोगों को। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए फटाक से बाय करती हूँ,
लव यू फ्रेंड्स, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मेरे चैनल को। और जैसे आप सब्सक्राइब करोगे तो पता है ना आप लोगों को कि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाता है और आप लोग चेकआउट कर सकते हो न्यू वीडियो को। तो लव यू फ्रेंड्स, बहुत थक गई हूँ, थोड़ा आराम करूँगी अभी। टाइम रिसेंटली 3:30 या 4 बज रहा होगा, तो टाइम ऐसे ही हो गया है। चलिए मिलती हूँ बाद में आपसे। लव यू फ्रेंड्स, बाय।